पुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी पोहे की तरी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप काले चनों को रात भर भींगने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम थोड़ा पानी और नमक डाल के कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे, जब तक ये पक नहीं जाते। थोड़ा पानी डालेंगे, करीब 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। ये तरी पोहा नागपुर नासिक में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारे छोलों में सीटी आ चुकी है काले चनों में, हम इसे ठंडा होने देंगे। तब तक इसके मसाले की तैयारी हम किए लेते हैं। तो इसके लिए हम एक मसाला बनाएंगे, काला मसाला बनता है इस तरी के लिए स्पेशल। तो उस मसाले के लिए जो इन्ग्रीडियंट हैं वो ये हैं। मैंने काले मसाले के लिए मैंने 3 से 4 तेज पत्ते लिए हुए हैं, 1 चम्मच तिल ली हुई है, 1 चम्मच नारियल का बूरा लिया हुआ है, 1/2 चम्मच मैंने खसखस के दाने लिए हुए हैं, 10 से 12 मैंने काली मिर्च ली हुई हैं, 4-5 लौंग ली हुई हैं, 4 मैंने कश्मीरी मिर्च ली हुई हैं। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप रेगुलर जो भी आपके पास सूखी मिर्च है वो ले सकते हो। ये मैंने पत्थर फूल लिया हुआ है मैंने, और इतने से मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हुए हैं, 1 मैंने बड़ी इलायची ली हुई है, 1 चक्रफूल लिया हुआ है और जावित्री ली हुई है, और ये मैंने जायफल लिया हुआ है। ये सारा जो इतना जो है वो हम इसकी तरी में डालेंगे। इसके लिए स्पेशल एक काला मसाला बनकर तैयार होता है, ये वो है। अब इसे हम 1 चम्मच तेल में बिल्कुल एरोमेटिक होने तक भून लेंगे, हमें इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसमें से कुछ भी मिस होता है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे कि कितना कितना है और क्या क्या सामान मैंने काले मसाले के लिए यूज़ किया हुआ है। तो देखिए, मैंने 1 चम्मच यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल गर्म नहीं करना है। इसमें मैं अपने सारे ये मसाले डाल दूँगी, इन्हें हमें रोस्ट करना है धीमी आँच पर, बिल्कुल धीमी आँच रखना है, मसालों को जलने नहीं देना है। जब इन मसालों में से थोड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हमें इनको बंद कर देना है, और ठंडा होने पर मिक्सर में एक बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। मैं इसमें जीरा भूल गई थी, इसमें 1 चम्मच शाह जीरा भी डाल देना है हमने। मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो अब इस स्टेज पर हम अपने मसालों को बंद कर देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे चने भी बनकर रेडी हैं, तो इन्हें हम स्ट्रेन कर लेंगे, और इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, वो हम इसकी तरी में यूज़ करेंगे। तो हमारा काला मसाला ठंडा हो चुका है, तो इसे मिक्सी में एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका, सॉरी पाउडर। तो हमारा काला मसाला पाउडर बनकर एकदम रेडी है, तो शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें मैंने करीब इतना नारियल सूखा, और 1 प्याज, 4 लहसुन की कलियां, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। तो इसमें डालूँगी मैं जीरा 1/2 चम्मच, और इसमें मैं अपना ये सबसे पहले इसमें मैं अपना नारियल डालूँगी। इसको 1 मिनट भूनेंगे। देखिए, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, तो इस स्टेज पर इसमें प्याज अदरक और लहसुन डाल दूंगी मैं अपना। ये जो तरी है इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसी से इसकी जो तरी नाम इसका इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। और पोहों के साथ ये तरी बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो आप इसको सादा चावल के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमारी प्याज भुनकर रेडी है, तो हम इसी स्टेज पर इसको निकाल लेंगे। ये जो तेल बच गया है इसमें थोड़ा तेल और डालकर हम इसकी तरी में यूज़ करेंगे इसको, और इस मसाले को ठंडा होने देंगे। तो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो इसे हम उसी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने अपने मसाले को पीसा था, और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसको बारीक पेस्ट तैयार करना है इसका। तो हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। अब हम इसी पैन में बची हुई तेल में थोड़ा तेल और ऐड, इसमें करीब मैंने 1.5 चम्मच बड़ा तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और अपनी तरी भी इसमें डाल देंगे, जो पेस्ट रेडी किया है वो इसमें डाल देंगे। इसको चलाते जाएंगे, हमारा पेस्ट बन रहा है, तो इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी भर के, और 1 चम्मच के करीब देगी मिर्च डालूंगी। कश्मीरी मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, एकदम तरी वाला। अगर आपको तीखा पसंद है बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये तरी तीखी ही बनती है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें देगी मिर्च ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल सकते हो। तो हमारी तरी
का जो पेस्ट है वो भुन चुका है, तो इसमें अब हम डालेंगे अपना ये काला मसाला। मैंने इसी के अकॉर्डिंग पूरा मसाला तैयार किया हुआ था, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, क्योंकि छोलों में भी नमक है हमारे और पोहा बनेंगे उसमें भी नमक है, तो नमक आपको कम ही रहा। इसमें हम अपने छोले डाल देंगे, काले चने। इसमें जो चने उबाले थे वो पानी बचा था, वो भी हम इसी में डाल देंगे। देखिए कितनी प्यारी तरी बनकर तैयार हो रही है अभी। इसमें एक कप के करीब पानी और डालेंगे। इसकी तरी पतली रखनी है। अब इसको 5 मिनट तक अच्छे से उबलने देना है। हमारी तरी अच्छे से उबल रही है, तो इसमें मैंने 4 टमाटर लिए हुए हैं हाफ हाफ कट करके, वो इसमें हम डाल देंगे इसी तरीके से। हमारी तरी उबल रही है, इसमें हम हरा धनिया डालेंगे खूब सारा। इसको 2 मिनट और उबालेंगे बस, फिर हमारी तरी बनकर तैयार है। हमारी तरी बनकर तैयार है, तो इसे हम करेंगे चिवड़े की तैयारी शुरू करेंगे। मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दी। यहाँ मैंने 1 चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, और मैंने 1 कप यहाँ पर पेपर पोहा लिया हुआ है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम अपने पोहा को डाल देंगे। इसमें 2 पिंच के करीब हल्दी भी डाल देंगे और थोड़ा नमक। इसे 2 से 3 मिनट हम चलाएंगे धीमी आंच पर। थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे इसमें। हमारे पोहों को भुनते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये बनकर तैयार हैं। गैस को करेंगे बंद। इसके बाद हम अपने पोहे की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर करीब 2 कप पोहा को भीगने के लिए रख दिया है। इनको 5 मिनट 10 मिनट भीगने देंगे और अच्छे से पानी इनका सोखने देंगे। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 कड़ी पत्तों को बारीक चॉप कर लिया है, 1 हरी मिर्च ली है और 1 आलू लिया है उबला हुआ, उसको मैंने कट कर लिया, 1 प्याज ली हुई है। तो हम अपने पोहा को एकदम सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे, क्योंकि तरी ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने पोहा। 1 चम्मच तेल को गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा लिया हुआ है, इसको इसमें डालेंगे। राई चटक लेंगे, इसमें डालेंगे प्याज अपनी, कड़ी पत्ता और मिर्ची भी इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें। इसी टाइम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। प्याज के थोड़ा भुनने के बाद इसमें अपना आलू डाल देंगे हम, अपना थोड़ा भुन जाएगा। इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, तरी भी डलेगी इसमें। हमारा मसाला भुनकर रेडी है, इसमें डालेंगे हम अपने पोहे, अच्छे से मिला लेंगे इनको। इसमें डालूंगी मैं शक्कर, जितना नमक डाला था मैं उतनी चीनी यहाँ पर डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार डालें, अगर पसंद नहीं है तो ना डालें। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी आधा नींबू का रस। हमारा पोहा बनकर रेडी हो चुका है, तो इसमें डालेंगे हम अपना हरा धनिया। गैस को बंद कर देंगे और शुरू करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो मैंने 1 प्लेट में पोहा ले लिया है, उसमें हम डालेंगे अपना, यहाँ पर मैं कच्चा प्याज इसमें डाल रही हूँ, थोड़े टमाटर डाल रही हूँ इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसमें हम कच्चा चिवड़ा डालेंगे। अब इसमें हम अपनी तरी डाल देंगे, तरी के छोले डालेंगे काले, जितना आपको डालना है उतना डालेंगे, और इसके ऊपर से तरी भी हम इसी में डाल देंगे। बहुत ही स्पाइसी तरी है, आप अपने अनुसार डालिए। और इसमें जो टमाटर था उससे डेकोरेट करेंगे इसको। तो हमारे तरी पोहा बनकर रेडी हैं, लास्ट में इसको हम हरे धनिया से सर्व कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमकीन सेव डालेंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालिए, नहीं डालना तो मत डालिए। तो देखिए हमारे तरी पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है नागपुर स्टाइल के। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बताइए आपको अगर ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर माय चैनल।